So we'll go ahead with again a quick revision of motion on an inclined plane. Projectile motion on an inclined plane हमने start किया था. तो हमको फटाफट सारे उसके equation वापस revise करने हैं and then we are supposed to start solving problems on motion, projectile motion on an inclined plane. तो अब तक हमने दो type के projectile motion देखे थे, if you remember. कौन से दो type थे? Which two types of projectile motion you have learned so far? Oblique and horizontal. So अब तक हमने oblique and horizontal projectile motion दोनों cover किया था. Now we will go ahead with next type, that is projectile motion. Projectile motion on an inclined plane. On an inclined plane. मैंने आपको बताया था कि इसके equations याद कैसे रखते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के इक्वेशन याद रखने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन याद रखना चाहिए. व्हेन यू से ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, और हॉरिजॉन्टल को तुम एक्स एक्सिस बोलते हो, वर्टिकल को तुम वाई एक्सिस बोलते हो. तो इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन वॉज समथिंग लाइक दिस. इन दिस केस मैं फिलहाल पहले हम लोग रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस ये आपको ऑब्लिक से ही मिलते हैं. तो वी आर जस्ट क्विकली रिवाइजिंग बेसिक इक्वेशंस ऑफ कौन सा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. तो ये था इनिशियल वेलोसिटी यू बार, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था उसको बोलते हो यू एक्स, जो होता है u cos थीटा. इसको हम आगे से बोल देंगे u पैरेलल. तो जो भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को पैरेलल होगा उसको इसके आगे हम लोग पैरेलल कंपोनेंट बोलेंगे. जो भी कंपोनेंट वर्टिकल को पैरेलल होगा मतलब हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर होगा उसको इसके आगे बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो ये आ जाएगा u परपेंडिकुलर. u परपेंडिकुलर मतलब यू आई, और आपको यू आई तो पता ही होता है. व्हाट इज यू आई? यू साइन थीटा. तो यू पैरेलल इज यू एक्स एंड इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यू परपेंडिकुलर इज यू वाई विच इज यू साइन थीटा. और इस केस में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में ए एक्स मतलब ए पैरेलल ये होता है जीरो, ए वाई मतलब ए परपेंडिकुलर ये होता है माइनस जे. और इस केस में वापस से टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट ये होता है इफ यू रिमेम्बर यू वाई बाय जी. अब जी कहां से आया? तो जी था ए वाई. और अगर आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करोगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था टू यू वाई बाय जी. यू वाई बाय जी, जी होता है ए वाई. तो जी क्या होता है? ए वाई. तो टू यू वाई, यू वाई मतलब कौन? यू परपेंडिकुलर. ए वाई मतलब कौन? ए परपेंडिकुलर. ये था टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन. सिमिलरली आपके पास यू ऑल्सो हैव इक्वेशन ऑफ इफ यू रिमेम्बर हाइट, याद है क्या? यू वाई स्क्वायर बाय टू जी, और टू जी, जी होता है ए वाई. मतलब ये आ जाएगा आपके पास u परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन टू ए परपेंडिकुलर. गुड. सिमिलरली रेंज, रेंज होता है टू यू एक्स यू वाई बाय जी, जी होता है ए वाई. करेक्ट. तो यहाँ पे होता है टू यू पैरेलल यू परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर. सिर्फ रेंज का थोड़ा सा इक्वेशन अलग बनता है इस केस में इंक्लाइन प्लेन पे. इसलिए मैं रेंज का इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ. हमने अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन स्टार्ट नहीं किया, कल मैंने बताया था, अभी हम रिपीट कर रहे हैं. सिर्फ अभी हम लोगों ने रिविजन में क्या देखा, व्हाट आर द बेसिक इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मुझे मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन अच्छे से करना है तो मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, अ स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज. ये था आपका मोशन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल.
अब एक काम करेंगे, इसी को रोटेट कर लेंगे। तो रोटेट कर लिया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और प्लेन ऑफ मोशन में जो एंगल बना इसको बोल दिया अल्फा। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने क्या किया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा प्लेन ही रोटेट कर लिया। और रोटेट करने का सिंपल सा रीजन था कि हमको इक्वेशन डिराइव नहीं करने हैं, इक्वेशन याद रखने। जेई नीट या सीईटी के लिए तुमको इक्वेशन डिराइव करने की कम से कम यहाँ जरूरत नहीं है, तो यू आर सपोज रिमेंबर। तो मैंने पूरा जिस प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन था उसको रोटेट कर दिया, और उसने एंगल कितना बनाया विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, कितना एंगल है अल्फा। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है अल्फा। गुड। तो इससे क्या हुआ फिर, इससे सबसे पहले लेट अस से ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, तो यू नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये जो है ये जी है, जी। अब जी के मैं दो कंपोनेंट कर लूंगा, लेकिन कंपोनेंट करने से पहले पता होना चाहिए अगर दो लाइंस में एंगल अल्फा है तो इन दोनों लाइंस को अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये एक परपेंडिकुलर हो गया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हो गया, तो इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज अल्फा, देन द एंगल बिटवीन टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइंस इज ऑल्सो अल्फा। मतलब रिमेम्बर यहाँ पे ये जो एंगल बनने वाला है ना, ये एंगल ये कौन सा होगा अल्फा, और ये अल्फा है तो ये क्या आएगा जी कॉस अल्फा। सही है, जी कॉस अल्फा को ये आएगा परपेंडिकुलर, ये कौन है पता है, जी साइन अल्फा। गुड। जो भी प्लेन को परपेंडिकुलर होगा वो कौन, उसको कंपोनेंट को क्या नाम दे दो हमने, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है और एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है। एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन है, आ तो फिर ये कौन आ गया जी कॉस अल्फा, और पैरेलल कौन है जी साइन अल्फा, लेकिन दोनों आएंगे माइनस एंड माइनस। टू, क्योंकि पहली बात तो मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी है तो माइनस आना ही चाहिए। नंबर टू, डायरेक्शन देखो दे आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स तो नेगेटिव आना ही चाहिए। हो गया। तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक्सेलरेशन के कंपोनेंट चेंज हुई, अभी यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पिछले केस में जीरो था, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे माइनस जी साइन अल्फा है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट पिछले केस में माइनस जी था, यहाँ पे माइनस जी कॉस अल्फा है। वेलोसिटी के कंपोनेंट चेंज नहीं होते, वो जैसे थे वैसे ही थे। तो मैंने आपको रीजन भी बताया था क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी हम कंट्रोल करते हैं ना, हमको पता है कि हमको प्लेन के रिस्पेक्ट से कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है, तो ये तो तुम कंट्रोल करोगे, लेकिन एक्चुअली ड्यू टू ग्रेविटी यू कैन नॉट कंट्रोल, एंड दिस एंगल यू ऑल्सो कैन नॉट चेंज। अल्फा तुम चेंज नहीं कर सकते, तुम थीटा चेंज कर सकते। तो इसके लिए वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को हम लोग अल्फा के टर्म में लिखते ही नहीं, हम लिखते हैं टर्म्स ऑफ थीटा। हमारा टास्क वही है जो पिछले केस में था, टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट और रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट और रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट और रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करते हो, टू यू आई बाय जी, ऐसे लिखा था ना, टू यू आई मतलब कौन, यू परपेंडिकुलर, जी मतलब कौन, ए परपेंडिकुलर। व्हाट इज यू परपेंडिकुलर, यू साइन थीटा। व्हाट इज ए परपेंडिकुलर, माइनस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी कॉस अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा सॉल्व करने के बाद नीचे प्लस हो जाता है, तो प्लस सॉल्व करने के बाद फिर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। सिमिलरली सिमिलरली एच कैसे फाइंड किया तुमने, यू वाई स्क्वायर अपॉन अपॉन टू जी, जी मतलब ए परपेंडिकुलर, यू वाई या वाई मतलब कौन है, व्हाट इज यू वाई, y कंपोनेंट मतलब कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर की पैरेलल, परपेंडिकुलर की पैरेलल, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर, तो यू परपेंडिकुलर, व्हाट इज यू परपेंडिकुलर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, व्हाट इज ए परपेंडिकुलर, जी कॉस अल्फा बन गया। सिर्फ रेंज का इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि रेंज का इक्वेशन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, क्या था रेंज उन्हें याद है आपको, 2 u² sin θ cos θ अपॉन जी, ऐसा था मैंने आपको बताया था, याद कैसे रखना है। ये है ऑब्लिक के लिए, इंक्लाइंड प्लेन के लिए मैंने आपको बताया था इधर से थीटा प्लस अल्फा और नीचे cos स्क्वायर डन बराबर। और एक इक्वेशन जो हमने अभी तक यूज नहीं किया या तो डिस्कस भी नहीं किया वो है मैक्सिमम रेंज का। व्हाट वाज मैक्सिमम रेंज ऑन आई मीन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, व्हाट वाज मैक्सिमम रेंज, u² / g। यहाँ पे ये होता है 1 + sin α या फिर 1 - sin α। ऐसा आता है इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम रेंज के दो फॉर्मूला बनते हैं, u² / g 1 + sin α या फिर u² / g 1 - sin α। अब प्लस साइन अल्फा कब, जब अप द इंक्लाइन प्लेन हो, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने नीचे से ऊपर फेंका, तो 1 + g sin α, और जब आपने ऊपर से नीचे फेंका तो 1 - sin α। तो ये याद रखना मैक्सिमम रेंज के दो फॉर्मूलाज है, मैक्सिमम रेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप द इंक्लाइन प्लेन एंड मैक्सिमम रेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो ये दो फॉर्मूला आएंगे, इतने ही इक्वेशन तुमको लगने वाले हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट्स ऑल यू विल नीड। गुड, अब एक काम करते हैं सिर्फ चेक करने के लिए, लेट मी सी हाउ मच डू यू रिमेम्बर। तो टाइम टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद ये तीनों कौन से तीनों, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज, इसके इक्वेशन तुमको याद है कि नहीं, देख लेते हैं। तो तीनों चेक करेंगे हम लोग, विल चेक ऑल थ्री। कौन से तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन सीखे तुमने, विच थ्री टाइप यू हैव लर्न, विच थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हैव यू सीन। हाँ आई डोंट हियर एनीथिंग, मेरे को सुनाई थोड़ा कम देता है, थोड़ा जोर से बोलो। कौन से तीन, कौन से तीन, विच थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हैव यू लर्न, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा ऑब्लिक, चलो ठीक है, ऑब्लिक मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल उसके बाद इंक्लाइन प्लेन। हमने क्या क्या डिसाइड किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट टी यू एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट और रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ऑब्लिक, 2 ui/g, मतलब 2 u sin θ/g, ठीक है, तो 2 u sin θ/g, 2 u sin θ/g। व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल, अंडर रूट ऑफ 2 h/g। व्हाट अबाउट इंक्लाइन प्लेन, अभी अभी लिखा, अभी 2 u sin θ / g cos α, तो 2 u sin θ / g cos α। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन फॉर ऑब्लिक, क्या इक्वेशन है मैक्सिमम हाइट का ऑब्लिक के लिए। अलग ही दुनिया से आए हो, तुमको तो पता ही नहीं चल क्या रहा है इधर,
स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ तो मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन ही क्या है, यहाँ तो मैक्सिमम हाइट से ही ऑब्जेक्ट चालू होता है ना। द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, मतलब बेसिकली प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट, तो एक हाइट से प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे तो जितना हाइट टावर का होगा जहां से प्रोजेक्ट किया उतने मैक्सिमम हाइट है, उसके तो कम ही होने वाला है। व्हाट अबाउट हियर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा, अभी बताया था, वो भी अभी जस्ट लिखा है यहाँ पे। व्हाट अबाउट रेंज, व्हाट इज रेंज फॉर ऑब्लिक, व्हाट इज रेंज फॉर ऑब्लिक 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, व्हाट इज रेंज हियर, u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट रूट ऑफ 2h बाय ut, u इनटू t होता है ना रेंज, और इसका क्या था अभी देखा क्या था, 2u² साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, डन, दिस इज व्हाट यू विल हैव, इतना आपको पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू नीड, इतना पता है, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व। तो लेट अस नाउ बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन, और सबका ध्यान यहाँ चाहिए, तुमने अभी पीछे देखा अगर तो तुम गए, क्योंकि तो ये क्वेश्चन इतने इजी नहीं है, इतने आसान से सॉल्व नहीं होने वाले ये क्वेश्चन, तो सबका ध्यान यहाँ चाहिए, ऑफकोर्स यार इजी, अगर ध्यान होगा तो इजी, तो पता चल ही नहीं रहा कि क्लास में है क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अराउंड इन दिस क्लास, है ना, कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा बताओ जरा। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ये आपको एक स्मूथ स्मूथ मतलब विदाउट फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन ऐड किया तो क्वेश्चन और भी कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, तो फिलहाल हम लोग विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये एक बॉडी है, तो लेट अस टेक अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड अप अप, तो लेट अस टेक अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड अप दिस प्लेन, यहां से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, और इस प्लेन का लेंथ कितना दिया है 20√2, तो ये जो प्लेन है इसका लेंथ है 20√2 विथ वेलोसिटी यू, मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा यहाँ पे वो है यू, ओके, फ्रॉम पॉइंट एम एज शोन इन फिगर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ये 45 है, तो दिख भी रहा है हमको ये 45 है, 90 तो 45 भी होगा, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, आगे बोला है एंड द टॉप इज कनेक्टेड टू अ वेल ऑफ डायमीटर 40 मीटर, तो ये जो प्लेन है इसका टॉप मतलब ये पॉइंट इट इज कनेक्टेड टू अ वेल ऑफ डायमीटर 40 मीटर, इफ द बॉडी जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वेल, तो यहां से बॉडी आएगा और ये जस्ट वेल को क्रॉस करेगा, जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वेल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, यहाँ पे वी एक्चुअली क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, वी नहीं पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू पूछा है, समझेगा आपको, चलो पहले वी फाइंड कर लेते हैं, पहले वी फाइंड करेंगे हम लोग, फिर देखेंगे कि क्वेश्चन क्यों गलत है, व्हाई इट इज रॉन्ग आई टेल यू, तो थोड़ा सा भी ध्यान दो पहले, जिनको अभी भी समझा नहीं, ध्यान नहीं था तो अभी ध्यान दो, ये एक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके बाद यहाँ से एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन जहाँ खत्म होता है वहां से कुआ स्टार्ट होता है, वेल वेल स्टार्ट हो गया, वेल यहाँ पे खत्म हो गया, और वेल का डायमीटर कितना है, कितना डायमीटर है 14, एक ऑब्जेक्ट था जो यहां से स्टार्ट होता है लेट अस से एम विथ वेलोसिटी ऑफ यू, यहां पे आके उसका स्पीड बन जाता है वी, लेट अस से दिस पॉइंट इज एम, तो यहां पे आके उसका स्पीड बन गया एन, पॉइंट पे आके उसका स्पीड हो गया वी, ये एंगल है 45 दिया हुआ है 45, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से ऊपर आएगा यहां तक आएगा और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, रिमेम्बर यहाँ से वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ से उसने प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर दिया, गुड, तो इट जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वेल, जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वेल मतलब ऐसा,
गया। आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, एक्चुअली वी नहीं पूछा है, एक्चुअली आपको यू पूछा है, बताता हूँ क्यों। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेने दो, तो बताता हूँ कि कहाँ पे गलती है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ यू होना चाहिए था। तो अब इसको मैं, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये है वेलोसिटी वी, वी ये वेलोसिटी वी है यहाँ पे, ये जो वेलोसिटी वी था। गुड, इमेजिन फॉर द टाइमिंग, ऐसा इमेजिन कर लो, लाइन ड्रॉ कर ली मैंने इमेजिनरी। ये 45, तो ये कितना है, ये कितना है 45, ये 45 है, तो फिर ये कितना है 45, 45 मतलब प्रोजेक्टेड इज प्रोजेक्टेड एट 45। रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज इज मैक्सिमम। तो ये एन पॉइंट पे, एट पॉइंट एन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज 45, देयरफॉर रेंज इज मैक्सिमम आर मैक्स। और व्हाट इज आर मैक्स का फॉर्मूला, यू स्क्वायर बाय जी की वी स्क्वायर बाय जी। इधर यहाँ पे इस केस में वी स्क्वायर बाय जी की यू स्क्वायर बाय जी, यहाँ पे स्पीड वी है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाय, और ये जो रेंज है मैक्सिमम रेंज है, इसकी वैल्यू भी दी है आपको, कितनी दी है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। ये कुएं का डायमीटर कितना था 40, तो रेंज की वैल्यू कितनी होगी 40, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल है जस्ट क्रॉस कर रहा है ना, तो रेंज की वैल्यू कितनी होगी 40, 40 होगी ना। तो घुमा फिरा के आपको ऐसा नहीं बोला कि मैक्सिमम रेंज इज 40, आपको बोला कुएं का डायमीटर 40, बॉल जस्ट क्रॉस कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, जस्ट दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू। आर मैक्स की वैल्यू 40 है, तो वी स्क्वायर बाय जी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 40 जी, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू 400, वी स्क्वायर इक्वल टू 400, तो वी इक्वल टू कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अगर वी पूछा होता तो आंसर होता सी, बराबर ऑप्शन में है, लेकिन जो आंसर की दिया है ना उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी वी के लिए नहीं यू के लिए आता है, राइट। अब वो कैसे निकालेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो तुमको कम से कम वी तो मिल गया। अब ये जो मोशन है इसके दो पार्ट्स थे, क्या ध्यान दो, ये जो मोशन है इसके दो पार्ट्स थे, एक था स्ट्रेट लाइन मोशन, यहाँ पे ये लीनियर मोशन था, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया, कितना डिस्टेंस कवर किया 20√2, 20√2 लेंथ दिया हुआ है। और उसके बाद उसने क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने पहले प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व कर लिया, क्यों सॉल्व किया पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन से फाइनल स्पीड मिल जाएगा, वी मिल गया ना। पहला केस इज लीनियर मोशन अलोंग अप द इंक्लाइन प्लेन एम टू एन, दूसरा केस प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने सेकेंड केस पहले सॉल्व किया, क्यों, क्योंकि मुझे वी मिलेगा। हमको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यू, वी पता है, यू फाइंड करना है, एस भी पता है क्योंकि इसका लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20√2, वी पता है, यू फाइंड करना है, एस भी पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो फॉर एम टू एन, फॉर एम टू एन यू कैन यूज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। अब ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि अगला जो चैप्टर है ना हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये नहीं पता होगा तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये रिमेंबर, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सपोज सपोज ये इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है, सपोज हमको तो 45 बोला है, क्वेश्चन में बोला ना 45, बोला कि नहीं क्वेश्चन में, क्या बोला इंक्लिनेशन एंगल कितना है 45, फिलहाल मैं अल्फा मान के चलता हूँ। वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ जी डाउनवर्ड्स, यहाँ पे क्या होता है, जी जी होता है ना, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा हमेशा हमेशा, ये लाइन वन है, ये लाइन टू है, और ये जो जी का लाइन है ना, ये किसको परपेंडिकुलर है, लाइन वन को है ना। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसा, तो ये किसको परपेंडिकुलर होगा, लाइन टू को, वेरी गुड। तो
लाइन टू को परपेंडिकुलर होगा। मैंने अभी बताया था, दो लाइंस में अगर एंगल अल्फा हो तो उन दोनों को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल कितना होता है, कितना होता है अल्फा, तो ये एंगल कितना है अल्फा, तो ये जी का कौन सा कंपोनेंट है, जी कॉस अल्फा, और ये कौन है, जी साइन अल्फा, वेरी गुड। तो अभी इसके आगे आपको पता होना चाहिए, जब भी एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे हो, वेन एवर यू हैव ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बॉल है, अगर ऑब्जेक्ट क्यूब भी हो, इफ इट इज ऑन इंक्लाइन प्लेन देर आर टू कंपोनेंट्स, जी कॉस अल्फा एंड जी साइन अल्फा, और जी साइन अल्फा या तो इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, बराबर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर आता हूँ इस क्वेश्चन पे वापस। सपोज ये एक प्लेन था और इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे स्किड होगा क्या, विल इट स्किड डाउन, यस नीचे आएगा क्या, आएगा बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट, विच कंपोनेंट, जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा नहीं, जी साइन थीटा, क्योंकि थीटा देखना है, और जी साइन थीटा भी नहीं, एम जी साइन थीटा, क्योंकि मोशन फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे एम जी साइन थीटा आएगा, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में तुमको बहुत लगने वाला है ये, तुम्हें पता होना चाहिए। तो विच इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा, ये अभी दिमाग में एकदम फिट कर लो, जी साइन अल्फा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू, ए क्या लिखूंगा मैं, जी साइन अल्फा इंटू एस, माइनस क्यों लिखा, माइनस क्यों लिखा, जी साइन अल्फा कहाँ पे है, डाउनवर्ड्स, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन ही होगा ना। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जाए तो क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ता है कि कम होता है, हाँ तो रिटार्डेशन का माइनस आएगा वहां पे, बराबर। तुमको क्या फाइंड करना था, यू, तो व्हाट इज यू स्क्वायर, व्हाट इज यू स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन, वी स्क्वायर प्लस टू जी साइन अल्फा इंटू एस, वॉट इज यू स्क्वायर, अभी देखा था तुमने कितना था, 400, या ना फाइव, 400, जी की वैल्यू में फिलहाल 10 ले लेता हूँ, वॉट इज अल्फा, 45, वॉट इज एस, 20√2, लेंथ ऑफ द प्लेन, लेंथ ऑफ द प्लेन दिया है तुमको 20√2, तो क्या आएगा आंसर, 400 प्लस 2 इंटू 10 कितना, साइन 45, 1/√2, 20√2, कैंसिल कैंसिल, 20 × 20 400, 400 प्लस 400, 2 × 400, ऐसा ही होता है कि नहीं, ऐसा होगा, पता है, व्हाट इज रूट ऑफ यू, व्हाट इज यू स्क्वायर, अगर 2 × 200 तो यू कितना है, 20√2 मीटर पर सेकंड, तो 20√2 ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज मेक अ लिंक बिटवीन फर्स्ट केस लिनियर मोशन एंड सेकंड केस प्रोजेक्टाइल मोशन, ये डायरेक्टली इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन का केस नहीं था, डायरेक्टली नहीं था ये, क्योंकि आपने प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने पहले स्ट्रेट लाइन में मूव किया, वहां से वो प्रोजेक्ट हुआ, तो डायरेक्ट इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन नहीं है, आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगेन दिस इज नॉट ऑफ इंक्लाइन प्लेन बट क्वेश्चन इज गुड, टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, तो दो पार्टिकल दिख रहे होंगे ए और बी पे, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एक्स एज शोन इन फिगर, दे आर प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम एज शोन इन फिगर विद डिफरेंट इनिशियल स्पीड्स, तो पहले का इनिशियल स्पीड u/√3 है, दूसरे का u है, इट इज नॉट वेरी क्लियर, मैं ड्रॉ कर दूंगा वापस से,
द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम्स जीरो इज। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। लेट अस से दिस इज एक्स डिस्टेंस। यहाँ पे एक पार्टिकल है ए पे, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है बी पे, दोनों में इनिशियल डिस्टेंस है एक्स। उसमें से आपने ए पे जो पार्टिकल है, वहां पे आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यू आर प्रोजेक्टिंग दिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ ध्यान दो, दैट इज व्हाट आई कीप ऑन सेइंग, यू नीड टू बिकम मैच्योर। जो यहाँ चल रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि जहाँ पीछे कुछ गिरा है उससे ज्यादा। तो ए प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था 30, ए का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैं थीटा आई बोलता हूँ ये था 30, इसका इनिशियल स्पीड को यू आई बोलता हूँ जो था यू बाई रूट 3। दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 है, दिस इज यू बी विथ वैल्यू यू, बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बी इज 60। व्हाट दे आर आस्किंग यू इज द टाइम आफ्टर विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम्स जीरो एस। ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, ये ऐसा जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल ऐसा आएगा और एक एक पर्टिकुलर स्टेज पे, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। मतलब बेसिकली ए पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, बी यहाँ पहुंच गया, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो हो गया। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज जीरो। कौन सा डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जीरो नहीं दिख रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस है, दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो हो गया। मतलब दोनों हॉरिजॉन्टली सेम पॉइंट पे आ गए, लेकिन वर्टिकली एक ऊपर एक नीचे। तो एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना इसको बोल देते हैं X1 या XA, जो भी बोलना होगा इसको बोल दो XB। वॉट इज एक्स ए प्लस एक्स बी? एक्स। वेरी गुड। बट हाउ टू फाइंड आउट एक्स ए एंड हाउ टू फाइंड आउट एक्स बी? हाउ टू फाइंड आउट एक्स ए एंड एक्स बी? और डिस्टेंस के तो तुम हमेशा से यू यूज करते थे, यही करते थे ना, एस इक्वल टू यू डिजन होना बाई डी स्क्वेयर। तो फॉर एक्स ए विल बी, अगर मैं एक्स कंपोनेंट यूज करूं, ठीक है एक्स से बढ़ा देते हैं, व्हाट इज एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर? दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? यस। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या होता है? क्या होता है? जीरो होता है। तो ये तो जीरो है दोनों के लिए, तो दोनों के लिए एस एक्स क्या है? यू एक्स टी। फॉर ए एस एक्स इज एक्स ए और ये हो जाएगा यू एक्स ए टी, बराबर एक्स ए यू एक्स ए। व्हाट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए? क्या लिखते हो तुम? यू कॉस थीटा, ऐसे लिखते हो ना, यू कॉस थीटा। तो यू ए कॉस थीटा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू ए? u बाय रूट 3। वेरी गुड, u बाय रूट 3। तो x a इक्वल टू u बाय रूट 3। व्हाट इज थीटा ए? व्हाट इज एंगल थीटा ए? कितना दिया हुआ है? 30। तो cos 30, व्हाट इज cos 30? रूट 3 बाय 2। रूट 3 बाय 2, ऑफ कोर्स t है वहां पे, t भूलना नहीं। तो क्या हो गया? u बाय 2 इनटू t, ये आ गया x a, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली एक्स बी भी फाइंड कर लो। व्हाट इज एक्स बी? एक्स बी क्या आएगा? यू एक्स बी इंटू टी, बराबर। व्हाट इज यू एक्स बी? यू बी कॉस थीटा बी इंटू टी। व्हाट इज यू बी? यू। व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा बी? थीटा बी कितना दिया हुआ है? 60। कॉस 60, व्हाट इज कॉस 60? 1/2। तो यू टी बाय, बराबर। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर दो कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 1?
एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू एक्स, व्हाट इज एक्स ए यूटी बाई टू, एक्स बी यूटी बाई टू, और ये आ गया एक्स यूटी बाई टू, यूटी बाई टू इज यूटी, हाफ और हाफ वन होता है ना। हाँ तो टी क्या आ गया, एक्स बाई यू, तो टी इज एक्स बाई यू, ऑप्शन में है एक्स बाई यू, एक्स बाई यू ऑप्शन नंबर बी। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो अभी। अच्छा, पंकज एंड सुधीर आर प्लेइंग विथ टू डिफरेंट बॉल्स, आई विल से मुकुल एंड यश मे बी ओम, चलो मुकुल एंड ओम आर प्लेइंग विथ टू डिफरेंट बॉल्स ऑफ मासेस एम एंड टू एम रिस्पेक्टिवली। इफ पंकज थ्रोज हिज बॉल वर्टिकली अप, पंकज ने ऐसा बॉल को वर्टिकली अप थ्रो कर दिया सीधा ऊपर, एंड सुधीर एट एन एंगल थीटा, तो सुधीर इज बेसिकली सेटिंग द बॉल इनटू प्रोजेक्टाइल मोशन, बट पंकज का जो बॉल है वो वर्टिकल मोशन है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। बोथ ऑफ देम स्टे इन आर व्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टे इन आर व्यू फॉर द सेम पीरियड, मतलब बेसिकली द बॉल थ्रोन में पंकज विल गो अप एंड देन कम डाउन, जितना भी टाइम लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट किसका है, सेकेंड बॉल का है। तो दे स्टे इन आर व्यू फॉर द सेम पीरियड, मतलब फॉर द सेम टाइम दे विल बी इन एयर, द हाइट अटेन्ड बाय द टू बॉल्स आर इन द रेशियो, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऐसा पूछा है आपको। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं, देयर कैन बी टू मेथड्स, तो देखते हैं वन बाय वन। तो मेथड नंबर वन, केस में द मोशन इज वर्टिकल, सो डू यू नो वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होता है, जीरो। अगर हाइट को मैं एच वन बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द टाइम ऑफ एसेंट इन दिस केस, टाइम ऑफ एसेंट कैसे फाइंड करते हो, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट वी इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस एटी, v जीरो है, u जो भी होगा वो v इक्वल टू यू प्लस एटी, v की वैल्यू कितनी है जीरो, u जो भी है माइनस जी टी, तो व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट, व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट, u बाय जी, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। ये टाइम ऑफ एसेंट मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगा, इस टाइम ऑफ एसेंट, व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट, सेम एज टाइम ऑफ एसेंट, जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है, तो टाइम ऑफ डिसेंट इज ऑल्सो सेम, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो कितना हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूला से भी आता है, टू यू साइन थीटा बाई जी, व्हाट इज थीटा, 90 डिग्री, 90 है ना, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना 90, तो साइन 90 इज 1, तो वहां से भी आ जाता था आपका इक्वेशन। अब आगे क्या बोला है, स्पीड सेम बोला था क्या, नो, स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोला, मासेस बताया है। ओके केस टू, ये केस वन था, केस टू इज इरिस्पेक्टिव ऑफ मास, मास तो जो होगा वो होगा, हाउ डू यू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस केस, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। क्या बोला है, सुधीर एट एन एंगल थीटा, थीटा कहाँ से, थीटा कहाँ से, थीटा कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से कि वर्टिकल से, वर्टिकल से, दैट इज वेयर यू विल गो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना है फिर 90 माइनस थीटा, और जो केस नंबर टू है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तुमको पता होता ही है, क्या होता है, टू यू साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या लोगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल का पोजीशन क्या है 90 माइनस थीटा बाय, तो क्या आ गया टू यू कॉस थीटा बाय जी, करेक्ट। और आपको बोला है साथ में कि टी वन एंड टी टू आर सेम, बोथ ऑफ देम रिमेन इन द व्यू फॉर द सेम पीरियड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि
कि स्पीड सेम नहीं होंगे, इनिशियल स्पीड सेम नहीं रहे होंगे, तो इनिशियल स्पीड सेम नहीं है। तो पहले केस में मतलब इन केस ऑफ पंकज स्पीड इज u1 एंड सेकंड केस में इट इज u2। t1 इक्वल टू t2, व्हाट इज t1? 2u1 बाय g। व्हाट इज t2? 2u2 cos थीटा बाय g। 2 बाय g, 2 बाय g कैंसिल, तो क्या आ गया u1 इक्वल टू u2 cos थीटा। ये रिलेशन मिल गया आपको u1 और u2 में, u1 इक्वल टू u2 cos थीटा। आपको पूछा क्या था? हाइट का रेशियो पूछा है, हाइट का रेशियो, तो h1 बाय h2 पूछा है। मतलब इस केस में जो हाइट अटेन होगा उसको मैं h2 बोल दूंगा, h1 बाय h2 पूछा है। कैसे फाइंड करोगे h1 बाय h2? व्हाट इज हाइट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आएगा? 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, और ये क्या आएगा? बराबर सही है ना? और स्ट्रेट मोशन में क्या होता है? यू स्क्वायर बाय 2g। अरे यू स्क्वायर बाय 2g कहां से आता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैक्सिमम हाइट पे वी कितना है? 0। यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 2gh, तो h कितना आ गया? यू स्क्वायर बाय 2g। तो वर्टिकल मोशन में h इज यू स्क्वायर बाय 2g। चलो नहीं भी पता होता तो साइन ऑफ थीटा, व्हाट इज थीटा इन द फर्स्ट केस? 90। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के ही इक्वेशन लगाने हैं तुमको यहाँ पे, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी प्रोजेक्टाइल मोशन के ही इक्वेशन है। सिर्फ पहले केस में एंगुलर पोजिशन कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि डायरेक्ट वर्टिकली ऊपर गया। वर्टिकली ऊपर मतलब एंगुलर पोजिशन इज 90, साइन 90 इज 1। हाँ तो क्या आएगा यहाँ पे? यू स्क्वायर बाय 2g। कौन सा यू? यू 1। 2g 2g कैंसल, ठीक है ना? गुड, ओके। तो h1 बाय h2 इक्वल टू u1 अपॉन u2। व्हाट इज साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा दोनों का क्या कर लेंगे? स्क्वायर। लेकिन u1 क्या था? व्हाट वाज u1? u2 cos थीटा। तो यहाँ पे u1 यहाँ पे क्या लिखोगे? u2 cos थीटा, और क्या लिखोगे? u2 cos थीटा। क्या हो गया ये? कैंसल। तो क्या आ गया रेशियो? 1:1, 1:1, ऑप्शन नंबर बी। वेट 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 वेट, सही है, गलत कुछ नहीं है। मेथड टू, ऑलवेज रिमेम्बर आपको पूछा क्या है, हाइट पूछा है हाइट। तो हम लोग क्या करते, अगर तुम अच्छे से सोचते इसको, तो तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट तो तुमने अभी फाइंड कर लिया था पहले केस में। क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u/g। और लॉजिकली स्पीकिंग अभी ये इस लेवल पे तुमको पता होना ही चाहिए, ऊपर जाने के लिए u/g होता है, नीचे आने के लिए u/g होता है। तो कितना होता है? 2u/g। तो t1:2u1/g, मतलब t1 is proportional to u1। तुमको कनेक्ट करना था रेशो, किसका चाहिए तुमको? हाइट का। किसका चाहिए? हाइट का। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइट भी बताना चाहिए। अभी अभी बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन मोशन में u स्क्वायर बाय 2g। तो h1 is u1 स्क्वायर बाय 2g। 2g कांस्टेंट है ना, तो प्रोपोर्शनल टू इक्वेशन नंबर 1 से t1 is proportional to u1, और 2 से h1 is proportional to u1 स्क्वायर। और तुमको गिवन इंफॉर्मेशन में क्या बोला है? टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है बोला ना ऐसा, बोथ रिमेन इन द व्यू फॉर सेम पीरियड। मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन किसका था? टाइम का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, बराबर कि नहीं? और पूछा क्या था? हाइट। तो देखो अभी क्या है कि टाइम डिपेंड करता है u1 पे, हाइट डिपेंड करता है u1 स्क्वायर पे। बताओ दोनों से क्या मिलेगा? h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, ये पहला केस हो गया, पहला केस हो गया। दूसरा केस भी लगभग सेम है,
दूसरा केस क्या है? पिविटल मोशन। व्हाट इज टी वन? व्हाट इज पिविटल मोशन का टाइम ऑफ फाइट? टू यू साइन थीटा। थीटा क्या था यहाँ पे? 90 माइनस थीटा। चलो ठीक है, अपॉन जी वी डोंट केयर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो टी टू इज प्रोपोर्शनल टू यू टू। हाइट क्या होता है? हाइट, व्हाट इज हाइट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा हो या कुछ भी हो, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो एक्स टू इज प्रोपोर्शनल टू टू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, इसको 4 बोल देता हूँ, इसको 5 बोल देता हूँ। तो 4 और 5 से क्या मिला तुमको? एक्स टू इज प्रोपोर्शनल टू यू टू, लेकिन यू टू इज प्रोपोर्शनल टू टी टू। इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों को डिवाइड कर दो, किसको? इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 6 को। तो मैंने क्या किया, ये सारे इक्वेशन बनाने की जगह पे हमने दोनों केसेस में हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को रिलेट कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, क्या है? सेम। तो तुमने एच और टी को रिलेट कर दिया केस 1 में, और तुमने एच और टी को रिलेट कर लिया केस 2 में। तो दोनों को डिवाइड कर लो, व्हाट विल बी H1 बाय H2? क्या आएगा? T1 बाय T2 का स्क्वायर। ऐसे आएगा ना, H1 बाय H2, T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर, मतलब T1 बाय T2 स्क्वायर। बट व्हाट इज T1 एंड T2? इक्वल इक्वल हो गया 1, खत्म। सिंस T1 इक्वल टू T2, तो ऐसा भी कर सकते थे, दोनों मेथड का फाइन। तो फाइनली वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बिफोर वी एंड दिस। अभी ये जो है, ये एक्चुअली मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन हम इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज टी। ए से बी तक जाने में टाइम लग गया टी, देन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू। तो ए बी डिस्टेंस आपको पूछा है, ए से बी जाने में टाइम लगा टी, दो एंगल दिए हैं और आपको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे सॉल्व करोगे? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको सी बोलते हैं, सी। क्यों ऐसा? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल तो बन गया, बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तुमको क्या चाहिए था? क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? AB? AB चाहिए ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैंने बना लिया, तो मैं कम से कम यहाँ पे साइन कोसाइन तो यूज कर ही सकता हूँ। अब ऐसा क्यों किया, उसका रीजन है, कैन यू टेल मी व्हाट, हाउ डू यू फाइंड आउट AC? तुमको AC डिस्टेंस कैसे मिल जाएगा ये बताओ। मिल जाएगा AC, कैसे मिलेगा? How do you find out AC? How to find out AC? U cos 60. It U cos 60? बाकी गप्पे तो खत्म होने दो, अच्छे से गप्पे। तो बताओ, तो पीछे बनेगा ग्रीन, बताओ बताओ, हाउ डू यू फाइंड आउट AC फ्रॉम देयर? चलो बताओ, हाउ डू यू फाइंड आउट AB फ्रॉम देयर? AB कैसे फाइंड करोगे, AC कैसे फाइंड करोगे, बता दो। AB फाइंड करना, कैसे फाइंड करोगे बताओ।
आई वॉन्ट दिस आंसर टू बी सॉल्व फ्रॉम योर साइड, आई मीन दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व फ्रॉम योर साइड, तो आंसर शुड कम फ्रॉम योर साइड। यस बताओ, हाउ टू फाइंड आउट ए बी। अगर मैं इसमें से ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं कॉस लेता हूँ, कॉस 30, व्हाट इज कॉस बाय डेफिनेशन? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है? ए सी। हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी। तो कम से कम तुमको ए बी चाहिए था, इसके लिए ए बी हमने फाइंड किया। बताता हूँ मैं ये सब क्या चल रहा है, बताता हूँ। व्हाट इज कॉस 30? रूट 3 बाई 2। तो ए बी इक्वल टू 2 AC/√3। अगर तुमको ए सी मिल गया तो तुम्हारा आंसर आ गया। अभी ए सी कैसे फाइंड करना है वो तुमको सोचना पड़ेगा। अब ए सी कैसे फाइंड करते वो भी समझ लो। अब ये एंगल 60 देने का रीजन है। इमेजिन इमेजिन अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता, अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता ना वो ऑब्लिक बन जाता। क्या बनता? वो ऑब्लिक। तो ये जो यू दिया हुआ है यू, इसका ऑब्लिक के केस में कंपोनेंट आता है यहाँ पे, वो क्या होता है? क्या होता है कंपोनेंट? यू एक्स। यू एक्स क्या होता है? यू कॉस थीटा। लेकिन अगर प्लेन नहीं होता तो एंगल थीटा ले 30 लेते कि 60 लेते? थीटा तो 30 डिग्री, तो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है ना। 30 डिग्री इज एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल। मैंने ये बोला कि अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो प्रोजेक्टाइल का एंगल इनिशियल कितना है? 60। तो एक्स कंपोनेंट क्या मिल जाता? U cos 60। बराबर सही है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम लोग ये भी सोचो, ए से बी तक कितने टाइम में आया? टी। और अगर प्लेन नहीं होता तो ए सी डिस्टेंस, ए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है कि नहीं? हाँ, क्यों? उनकी पैरेलल है। तो इंक्लाइन प्लेन होने की वजह से बी तक टी टाइम में पहुंचा। और इंक्लाइन प्लेन नहीं होता, अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो उस केस में भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए सी कितने टाइम में कवर होगा? टी। कितने में कवर होगा? टी। अभी भी जिसको नहीं समझा थोड़ा ध्यान, चलो यहाँ ध्यान, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ऑल ऑफ यू शुड पे अटेंशन हियर, सबका ध्यान यहाँ पे। इंक्लाइन प्लेन है, एंगल कितना है? 30। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 30। टाइम टी में ये कहां से कहां तक पहुंच गया? ए से बी तक। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मैं उसको X1 बोल देता हूं। अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो पहले तो बताओ कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना बनता उस केस में? 60 बनता, क्योंकि यहाँ पे 60 दिया हुआ है क्लियर कट, राइट। टी टाइम में, टाइम इंस्टेंट टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता वो? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता वो? एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक्स डायरेक्शन में कितना करेगा? 60। तो इंक्लाइन प्लेन हो या नहीं हो, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है उस गिवन टाइम में। सिर्फ इंक्लाइन प्लेन होने की वजह से वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। वापस बता रहा हूं मैं, अगर मेरा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, तुम जरा सोचोगे तो समझेगा। एक काम करो, फ्लैट अर्थ के सरफेस पे बॉल को थ्रो करो और देखो कि 5 सेकंड के बाद उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया। और एक पहाड़ के नीचे रुक के ऊपर थ्रो करो और चेक करो कि 5 सेकंड में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, सेम आता है। तो इंक्लाइन प्लेन हो या नहीं हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। तो हमने पहले केस में इंक्लाइन प्लेन लिया, ए बी क्या मिल गया? 2 AC/√3। दूसरे केस में हमने इंक्लाइन प्लेन गायब कर दिया, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी सेम। बराबर। तो मुझे सिर्फ ये पूछना है तुमसे, व्हाट इज दिस? यू कॉस 60 इंटू टी, लेकिन व्हाट इज दिस? दिस इज ए सी। ये ए पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। व्हाट इज कॉस 60?
यू कॉस 60, कॉस 60 हाफ इंटू टी आ गया। इक्वेशन नंबर टू कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर वन। तो फ्रॉम वन एंड टू ए बी इक्वल टू क्या, ए बी इक्वल टू 2/√3 AC, बढ़ AC ये लिखा है ना, UT/2, तो क्या आ गया आंसर, UT/√3। UT/√3 ऑप्शन में होना ही चाहिए, है क्या ऑप्शन नंबर ए है, खत्म डन।